नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारे अपने लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी शरीर से संबंधित एक विशिष्ट समस्या को लेकर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम का काफ़ी लंबा सफ़र तय हुआ है और इसका मुख्य कारण आप सब से मिलने वाला स्नेह और प्यार है। हम हमारे कार्यक्रम में हमेशा आपसे अपील करते हैं कि कार्यक्रम के विषय में आपके सुझाव और प्रतिक्रिया, इनका हमें हमेशा से इंतज़ार है। आज हम शुरुआत में आपसे कहते हैं कि यदि आपकी पसंद का कोई विषय या विशेषज्ञ हो, आप हमें सूचित करें, हम उन्हें यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था या उम्र होती है जब बच्चा वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ता है, और इस बीच की उम्र को जहाँ वयसंधि कहते हैं, मेडिकल भाषा में इसे एडोलिसेंस या टीनेजर कहते हैं। ये उम्र अपने आप में काफ़ी बदलाव लिए होती हैं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा या बच्ची जो हमारे सामने अटखेलियाँ करती, किलकिलाती थी, अचानक से गंभीर हो उठता या उठती है, और इसी समय में इनमें काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं जो समस्याएं नहीं होकर उनके परिवर्तन हैं, और हमारी जानकारी या ज्ञान के अभाव में हम इन्हें समस्याएं मान लेते हैं और इसके विपरीत हम रिएक्शन देना शुरू करते हैं, खासकर पालक वर्ग। और अगर यही सब चीज़ें लड़कियों के साथ में होती हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मित्रों, आज इस संवेदनशील विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम जी राठी को। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। यूँ तो इतनी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी शोहरत और नाम हासिल किया है, फिर भी परिचय के तौर पर डॉक्टर पूनम जी ने अपनी अंडरग्रेड की पढ़ाई जीएमसी नागपुर से की है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कोल्हापुर और डीएनबी यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड जैसी प्रतिष्ठित पदवी पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती से हासिल की है। मित्रों, आज इस संवेदनशील विषय पर हम चर्चा के लिए मैम के मुखातिब होते हैं। मैं विषय पर आते हैं, जिस तरह से मैंने बात की थी कि यह उम्र काफ़ी अपने आप में महत्व रखती है, आप इस विषय क्या कहना चाहेंगी? सही कहा सर आपने, ये उम्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक पदार्पण होता है एक बच्चे का, बच्ची का मातृत्व की तरफ, एक तो इसलिए। दूसरा, ये बहुत ही विचारों की उलट पुलट बहुत होती रहती है इस उम्र में, साथ ही फिजिकल मेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस उम्र में। इसके अलावा जो पेरेंट्स है उनका अपने बच्चों की तरफ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना संवेदनशील पीरियड होता है कि बच्चे हर छोटी चीज़ पे कभी चिढ़ जाते हैं या उनकी रिएक्शन कुछ अलग सी होती है, और पेरेंट्स इसको बहुत सिर्फ सलाह या डांट देना इस प्रकार रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इस समय उनके दोस्त बनिए, उनके फ्रेंड्स बनिए, और इस तरह से उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम वहाँ रहते तो क्या था हमारा प्रॉब्लम। इसलिए ये उम्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्शकों, डॉक्टर पूनम जी हमसे कह रही हैं कि इस समय में जो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो किशोर या किशोरी के स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे हम समस्या या प्रॉब्लम नहीं माने, हम उसे उसी तरह स्वीकार करें और उनके साथ में मैत्रीवत या फ्रेंडली रिलेशंस रखें। मैम, आज हमारी चर्चा किशोरियों पर आधारित है और इस उम्र में एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है वो है मासिक धर्म की शुरुआत, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे एमसी कहते हैं, और इस विषय में क्योंकि समाज में, घर में हम लोग इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत बार इसके बारे में किशोरियों में या उनके पेरेंट्स में इसकी जानकारी का अभाव होता है। इस विषय में आपका मार्गदर्शन क्या होगा?
ये टीनेज जो कि किशोर अवस्था होती है, इसमें काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि उम्र के 11 से 14 वर्ष के बीच में शुरू होते हैं। तो इसमें जैसे स्तनों का आकार बदलना, उनका साइज़ बदलना, साथ में ही कुछ स्थानों पे शरीर पे बाल नज़र आना, फिर तीसरा होता है कि मासिक धर्म की शुरुआत होना। ये तीन चेंजेस लड़कियों में देखे जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र से ये चेंजेस शुरू होते हैं, प्लस माइनस 1-2 ईयर्स हो सकता है। साथ ही ये शुरू होने का रीज़न यही रहता है कि जो एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं जो शरीर में होता है, इसका मैच्योरिटी जो होती है वो इस उम्र में शुरू होती है। तो इसी वजह से ये सब चेंजेस देखने मिलते हैं। और जब ये ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाता है तब मेनार्क यानी एमसी की शुरुआत होती है। तो इसमें वेरिएशन थोड़े बहुत इतने हो सकते हैं कि किसी को 11 साल में शुरू हो गया, किसी को 12 साल में शुरू हुआ, 14 वर्ष की उम्र तक, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों में ये मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और इसका बहुत सारा श्रेय जाता है सामाजिक स्तर, आहार कैसा है और अनुवांशिकता कि जिस पे इसकी उम्र डिपेंड करती है। अगर 16 वर्ष की उम्र तक एमसी नहीं आती है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है। मैम, इसमें जो एक मुख्य बात होती है कि जिस समय में लड़कियों को जब पहली बार इसका अनुभव होता है और इसका जानकारी नहीं हो तो अचानक इतना रक्तस्राव, ब्लीडिंग देख कर उनमें घबराहट की भावना आ जाती है। और होता यह है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, खासकर माएँ, तो उनको ये पता नहीं तो मैं इसको किस शब्दों में समझाऊँ, तो आप इसको किस तरह समझाएंगे जो ब्लीडिंग हो रही है क्यों हो रही है? जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका भी साइज़ बढ़ता है, वो भी मैच्योर होते जाते हैं। उसी तरह जो यूटेरस जिसे गर्भाशय कहा जाता है वो भी साइज़ में बढ़ता है। और इसमें एक अंदर की लाइनिंग होती है जो कि एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, जो प्रेगनेंसी की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर गर्भधारणा हो जाती है तो एमसी नहीं आएगी, लेकिन गर्भधारणा नहीं होती है तो जो अस्तर के जैसे एंडोमेट्रियम एक लेयर है वो शेड ऑफ होती है। जैसे बाकी बॉडी पार्ट से सिक्रीशंस होते हैं, जैसे नाक से पानी निकलना, आँख से पानी निकलना, यहाँ के जो सिक्रीशंस है वो ब्लीडिंग के तरह सामने आते हैं। इसे बहुत निगेटिवली नहीं लेना चाहिए। आजकल स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन ये एक सब्जेक्ट रखा जाता है या इसका स्पेशली लड़कियों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में इसकी जानकारी दी जाती है स्कूल्स में। माओं को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को कैसे समझाना और कब समझाना है। इसे बहुत निगेटिवली भी नहीं लेना चाहिए कि अरे रे इसको बहुत झंझट शुरू हो गई। एक पॉजिटिवली लो कि अच्छा है, एक मातृत्व की तरफ पहला कदम है जो कि शायद भगवान ने सिर्फ स्त्रियों को दी है ये शक्ति और किसी को नहीं दी है। दर्शकों, डॉक्टर पूनम जी राठी जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि शरीर में खासकर किशोरी के जो परिवर्तन हो रहे हैं शारीरिक और मानसिक लेवल पर इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची थी अब वो पूरा शरीर धारण कर रही है, स्तनों का आकार बढ़ रहा है, जगह जगह पर बाल दिखाई देने शुरू हुए हैं, शरीर से एक विशेष तरह की गंध आनी शुरू हुई है और बाहर के जो हमारे जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं, साथ साथ में अंदर के जो हमारे अवयव ऑर्गन से उसमें भी फर्क पड़ रहा है। और इन सब का HPO हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जिसका इन्होंने जिक्र किया है, साधारण भाषा में कहें तो ये हमारे जो अंदर के हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनका संचालन ब्रेन से होता है। ब्रेन द्वारा यह निर्धारित किया जाता है और उचित मात्रा में इनका सिक्रेशन होने पर यह सब बढ़ते हैं। मैम, बहुत ही उचित शब्दों में सरल भाषा में आपने इतने जटिल विषय को समझाया, पर कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती पीरियड में खास करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक धर्म होता है, बहुत इरेगुलर होता है, अनियमित होता, कभी कभी तो जल्दी भी आ जाएगा या कभी कभी आने में देर होती है। तो आपसे जिस मार्गदर्शन की जरूरत है कि ये नियमित यानी क्या नियमित होगा, नियमितता कैसी होती है और अनियमित होने का कारण क्या है? नियमित मासिक धर्म यानी 28 से 35 दिनों की एक साइकिल होती है जिसमें फिर एमसी शुरू होगी। इनिशियल डेज में जैसे ये रहता है कि जो HPO एक्सिस हम बात कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी पूरी तरह से नहीं हो पाती, शुरुआत हो गई है पर मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ये अनियमित होता है। एक तो कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी आता है या
कभी कभी काफ़ी समय तक आएगा नहीं, फिर आने के बाद काफ़ी दिनों तक रहता है। तो ये मैच्योरिटी का प्रॉब्लम, मैच्योरिटी जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पर ये नॉर्मल है, इसको सामान्य लेना चाहिए। सामान्य कहलाता है, पर परंतु अगर मासिक धर्म में ब्लीडिंग बहुत हो रहा है इस ड्यूरेशन में, जैसे बार बार आ रही है, तो उसकी वजह से कमजोरी आ जाती है, तो उस समय हमें विशेषज्ञ की सलाह और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और इस जो अनियमित होती है, बहुत दिनों तक नहीं आ पा रही है, उसका कारण क्या होगा? यही है कि HPO एक्सिस पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन का प्रमाण है वो काफ़ी दिनों तक पहले कम रहता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, और फिर जब पूरी तरह से वो एंडोमेट्रियम पूरा जो अस्तर जो मैंने बताया यूट्रस के अंदर वो पूरी तरह से बन जाता है, उसके बाद में लेवल्स जब कम होती है तो फिर ब्लीडिंग होता है। लेकिन जब इतने दिनों तक MC नहीं आती तो वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। कई लड़कियों में अक्सर मासिक धर्म के पहले सिर दर्द की शिकायत होती है, शरीर में भारीपन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, माएँ परेशान हो जाती है कि उनको पता लगता है कि अब पीरियड शुरू होने वाला है, तो ये कहाँ तक नॉर्मल है या इस विषय में आपकी क्या सलाह होगी? इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि लड़कियों में MC शुरू होने लगती है उस समय से शुरू होता है, और यूजुअली पहली डिलीवरी तक ये रहता है, उसके बाद कम हो जाता है काफ़ी लोगों में। और इसकी वजह हॉर्मोन्स के ही जो हॉर्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं काफ़ी सारे मेंसेस के पहले, उस वजह से होता है। वो अक्सर इसमें चिड़चिड़ापन होना, थोड़ा शरीर में भारीपन लगना, स्तनों में दर्द होना, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शरीर में नमक और पानी का रिटेंशन होता है, और इसी वजह से ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये एक्चुअली नॉर्मल है, इसके लिए बहुत कुछ करने जैसा नहीं है, फिर भी जो डाइटरी चेंजेस है वो करने चाहिए, जिससे काफ़ी हेल्प होती है। डाइटरी चेंजेस में इस तरह से कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लेने चाहिए, पानी का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही घर का जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेंडली और प्यार भरा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे बहुत निगेटिवली लिया जाएगा बाकी लोगों ने तो वो लड़कियाँ और ज़्यादा परेशान हो जाती है, उससे और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अगर हो रही है कि जिसकी वजह से उनका काम, स्कूल या कॉलेज हैम्पर होता है या नहीं जा पाती वो उस जगह, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, जिस सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिविटी का डॉक्टर पूनम जी उल्लेख कर रही हैं, ये हर किशोरी हर टीनेजर के घर में एक निहायत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारी शंकाएँ हो रही हैं जिससे वो अपने बता नहीं पा रही हैं, अपने मन में रख रही हैं, शायद कुंठित भी हो रही हो, और इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कन्या का सबसे अच्छा मित्र उसकी माँ होती है। दिक्कत तब होती है कि माँ जब हर बात में उसे रोक टोक करती है, अब तो बड़ी हो गई है, अब ज़्यादा हंसे मत, इस तरह से बैठना नहीं, उठना नहीं, इससे बात नहीं करना है, तो लड़कियाँ उन्हें अपनी दुश्मन समझती है। हम अपने दर्शकों की सलाह देना चाहेंगे कि पेरेंट्स, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, वह अपने किसी बच्चे के दुश्मन नहीं हैं। होता है कि किशोरी को या किसी लड़की को पिता की तरफ से पूरी छूट मिलती है, वो कहते हैं कि ठीक है, अगली को पराए घर जाना है, तो उसकी हर छोटी मोटी जिद पूरी करते हैं। माँ को ही अपनी जवाबदारी लगती है कि मैं अपनी बेटी को पूरी तरह सक्षम बनाऊं, ताकि अगले घर में मेरा नाम नहीं निकले, और इसीलिए हो सकता है उसे वो हर बात पर टोकती हो या रोकती हो, तो इसे वो अपनी दुश्मनी नहीं समझे, बल्कि उचित सलाह और मार्गदर्शन ले। हमारी आज की चर्चा का भी उद्देश्य यही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें इन सब जो नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि वे अपने पालियों से, अपने बच्चों से उचित शब्दों में अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें और उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। मित्रों, एक बहुत ही सार्थक चर्चा पर आपसे बातचीत जारी है, बने रही हमारे साथ में, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।